नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन मंच पर यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा केन सुपरवाइजर 2016 की परीक्षा 31 अगस्त 2019 को अभी हाल ही में सम्पन्न कराई गई थी लेकिन लोअर पीसीएस की आपाधापी में जो है बहुत से लोग इस प्रश्न पत्र को ध्यान नहीं दे पाए बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका हल अगले आने वाले सभी यूपी ट्रिपल एस की परीक्षाओं के लिए विशेषकर जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जो 2019 में ही नवंबर में होने जा रही है अभी डेट नहीं फिक्स है लेकिन नवंबर में जो है आयोग के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार प्रस्तावित है इस परीक्षा का विज्ञापन संख्या 20 2016 था तो इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे और इससे आपको एक ट्रेंड समझने का मौका मिलेगा मदद मिलेगी कि, कि किस तरह से यूपी ट्रिपल अब लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि हमारी जूनियर असिस्टेंट के लिए जो सीरीज सीरीज लॉन्च की गई है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं उसके लिए आपको जो है अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पर नाइन फाइव जीरो सिक्स सेवन फोर टू फाइव फोर सिक्स पर आप जो है कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है आप डिकोड एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और उसमें जो है टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर जूनियर असिस्टेंट की सबसे पहले तो आप डेमो टेस्ट दे लीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि हम लोग का टेस्ट जो है वो किस स्तर का है और किस प्रकार से उसमें हम लोग व्याख्या लिखते हैं और साथ ही आप जो है डेमो टेस्ट की फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए ऐप से ही आप वेबसाइट से भी डब्ल्यू से भी जो है टेस्ट भी दे सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर आपको पीडीएफ अच्छी लगती है और आपको लगता है कि जो है जिस तरह से उसमें क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है जो स्तर है और जिस प्रकार से व्याख्या लिखी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करें हमारी स्टेस्ट सीरीज में कुल दस फुल टेस्ट हैं जो जूनियर असिस्टेंट के बिल्कुल नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित हैं जिसमें 130 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र होता है और साथ में ही लगभग 300 प्रश्नों पर आधारित डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ फाइल करंट अफेयर्स की दी जाएगी आपको जिससे आपका पूरा एक साल का करंट अफेयर्स उसमें कवर हो सके तो डेट आने का इंतजार मत करिए टेस्ट सीरीज में एडमिशन आप ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज में जितनी जल्दी एडमिशन ले लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए लाभप्रद होगा जिससे कि जो है आप पूरी व्याख्या सहित पीडीएफ को समय रहते पढ़ सकें और अच्छे से जो है उसके कंटेंट को तैयार कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो सबसे पहले हम जो है जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो इसमें पूछे गए थे इसका पैटर्न बिल्कुल जो यूपी ट्रिपल एस का टिपिकल पैटर्न है उस पर आधारित है तो इसमें शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की क्रिकेट विश्व कप 2019 में निम्नलिखित में से किस देश की टीम अपने सभी मैच हार गई थी तो इसका सही आंसर क्या होगा अफगानिस्तान अफगानिस्तान की टीम जो है अपने सभी मैच हार गई थी 27 जून 2019 में जापानी शहर कोबे के अधिकारियों ने एक सिस्टर सिटी साझेदारी के लिए भारतीय शहर किस भारतीय शहर के साथ लेटर ऑफ़ इंटेंट यानी एल ओ आई पर साइन समझौता किया था तो ये भारतीय शहर कौन सा है अहमदाबाद है जुलाई 2019 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है तो इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है ई सी ओ आर यात्रा ये मोबाइल ऐप जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे ने लॉन्च किया है अगला प्रश्न गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है तो इसको हम पावर्टी लाइन या गरीबी रेखा के नाम से जानते हैं आगे के प्रश्न देखते हैं भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे किस तिथि को मनाया जाता है तो नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है 2017-18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश यानी एफ डी जहाँ से सबसे ज़्यादा आया हो थर्ड नंबर का कौन सा ऐसा देश था वित्तीय वर्ष 2017-18 में तो वो कौन सा देश है वो है नीदरलैंड नीदरलैंड का जो है इसमें तीसरा स्थान था अगला प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता का प्रदान करता है तो अनुच्छेद चौदह जो है विधि के समक्ष समता से संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद इक्यावन ए को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है तो मौलिक कर्तव्यों को बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद इक्यावन के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं तो इनमें से हमको ग्राम सभा के सदस्य बताने हैं पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो है इसमें मन जो है मतदाता होते हैं यानी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम बताएं जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूची पर एकमात्र मतदाता था यानी वहां पर केवल एक सिंगल वोटर था तो वो मतदान क्षेत्र कौन सा है बानेज़ जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का अगला प्रश्न देखते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है तो ग्रीनविच मानक समय से भारतीय समय जो है पांच घंटे और तीस मिनट आगे है अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है तो मणिपुर में कौन सी झील स्थित है लोकटक झील बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है तो नीलगिरी पहाड़ियों में कौन कौन सी पाई जाती हैं टोडा कोटा कुरुम्बा ये सभी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है लेकिन मोग जनजाति जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है अगला प्रश्न गोदावरी नदी महाराष्ट्र में किस जिले से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है नासिक में होता है जो कि पश्चिमी घाट में आता है अगला प्रश्न श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है तो श्रीनगर आप लोग जानते हैं अच्छे से झेलम नदी के तट पर स्थित है मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है तो मैक्सिको की खाड़ी जो है अटलांटिक से फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से जुड़ी हुई है अगला हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है यानी किस तरह का जो है ये उदाहरण है तो हवाई ज्वालामुखी जो है एक ढाल या सील्ड वालकैनों का, का एक उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी तो इसमें से हमको तीनों चारों प्रणालियों में से देखना है कि कौन सी ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व की प्रणाली नहीं थी तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा दस्तक क्योंकि आप जानते हैं स्थाई बंदोबस्त या जमींदारी महालवाड़ी रैयतवाड़ी ये सभी जो है ब्रिटिश भारत में प्रचलित थी लेकिन दस्तक जो है ये ब्रिटिश भारत काल की नहीं है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत उस समय कौन सा था मैसूर तो आप जानते हैं कि सहायक संधि सबसे पहले जो है वेलेजली ने लागू की थी भारत में जिसमें सबसे पहला शिकार हुआ था हैदराबाद के निजाम उसके बाद मैसूर ने जो है ये संधि की थी अगला प्रश्न मेरठ छावनी अठारह सो के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी तो में, तो सबसे पहले जो है मेरठ छावनी से अठारह में 10 मई अठारह को सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी अगला प्रश्न देखते हैं महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया तो ये जो लेखक थे उनका नाम था लुइस फिसर इन्होंने महात्मा जी गांधी पर जो है पुस्तकें भी लिखीं और उनकी जीवनी लिखी पूरी अगला प्रश्न भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक का भाषण कहाँ से दिया था तो स्वतंत्रता के अवसर पर जो है संविधान सभा में यानी संसद में जो है ये मशहूर भाषण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे तो अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे हरीश्चंद अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है हरीश्चंद अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज जिले में स्थित है 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था तो यहाँ पर ध्यान रखना यह है कि 2001 से पूछा है ना कि 2011 से तो 2001 में जो है लिंगानुपात आठ था अगला प्रश्न रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो वर्तमान बिठूर यानी कानपुर में है यहाँ पर ब्रह्मा वर्त दिया है जो काफी लोग जो है उसके बारे में नहीं जानते होंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है तो मथुरा में जो है तेल रिफाइनरी स्थापित है जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है तो इसमें से जो है तड़वी जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश में नोटिफाइड अनुसूचित जनजाति नहीं है अगला प्रश्न निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय की गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था तो इनमें से सिद्धेश्वरी देवी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य में 5000 करोड़ के निवेश के साथ स्टोर खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एम पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये किसने किया है आयका ने अगला प्रश्न कंप्यूटर से है तो निर्देशों का यानी डायरेक्शंस का एक ऐसा संग्रह जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एक विशिष्ट कार्य है तो इसको हम क्या कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं एक ऐसा सरल उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट भी कहा जाता है तो इसको क्या कहते हैं हम सर्वर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है तो प्रत्युष जो है ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जो 2018 में स्थापित हुआ था अगला प्रश्न प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी किसानों को प्रतिवर्ष छ हजार रुपये दिए जाएंगे अगला प्रश्न जून 2019 के अनुसार रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन है तो रॉ के प्रमुख कौन है सामंत गोयल इससे पहले कौन थे अनिल धसमाना अगला प्रश्न देखते हैं केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 के केंद्रीय बजट में प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एन के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त भारत के दृष्टिकोण से किस कार्य के लिए 460 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा ग्रीन मदर अर्थ और स्काई ब्लू इसके लिए जो है 460 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र सर्वाधिक लाभदायक यूनिट है यानी सबसे ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त करने वाली जो है पब्लिक सेक्टर का कौन सा प्रतिष्ठान है तो ये कौन सा हो जाएगा सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अगला प्रश्न पॉलिटी से है तिहत्तरवा संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था तो तिहत्तरवां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है नेक्स्ट पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है अनाई मुड़ी है अगला प्रश्न जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बनी तो इसका किसने निर्माण कराया था इब्राहिम सरकी ने जो है अटाला मस्जिद का वहाँ पर निर्माण कराया था बागान द्वारा प्राप्त पेय जिनको बेवरेज क्राप कहते हैं तो बेवरेज क्राप या पेय फसल निम्नलिखित में से कौन सी है तो इसमें से बेवरेज क्रॉप कौन सी हो जाएगी चाय क्योंकि चाय का जो है प्लांटेशन जो है बागानों में किया जाता है अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर कृषि विकास से संबंधित नहीं है तो इसमें से खनन जो है ये कृषि के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर नहीं है जबकि सिंचाई सड़कों की उपलब्धता और बीमा ये सभी जो है इससे संबंधित हैं व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है वेजिटेबल फ्रूट्स फ्लावर जो है इनको कॉमर्शियल यूज़ के लिए उगाया जाता है पर्यावरणीय खेती या इको फार्मिंग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है तो इसको जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं अगला प्रश्न सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है तो बबलर सिंचाई का जो, जो मेथड है इसको जो है ट्रिंकल सिंचाई के नाम से भी जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ की फसल है तो खरीफ तो इनमें से हमको खरीफ की फसल बतानी है खरीफ की फसल इसमें से कौन सी हो गई कपास हो गई निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है तो भारतीय कृषि जो है इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है ये जो है भारत की कृषि की जो है प्रमुख विशेषता नहीं है ये मानसून पर निर्भर है कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है और यह यहाँ पर निर्वाह कृषि के रूप में होती है तो ये सभी इसकी विशेषता है लेकिन डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने यूएस डॉलर तक बढ़ाने का है तो इसका सही उत्तर क्या होगा 60 बिलियन से अधिक जो है ये कृषि निर्यात लक्ष्य में निर्धारित किया गया है अगला प्रश्न एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि केंद्रों को वितरित करते हैं तो ये कौन सी खेती का तरीका हो गया इसको हम क्या कहते हैं सहकारी या कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम से जानते हैं जून 2019 में निम्नलिखित में से किस एक लेखक को अंग्रेजी भाषा में भारतीय साहित्य के समृद्ध बनाने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चौवनवे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये अमिताभ घोष को जो है चौवनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अगला प्रश्न देखते हैं चावल निम्नलिखित में से किस एक राज्य की वाणिज्यिक फसल यानी कॉमर्शियल क्रॉप है तो इसका सही उत्तर जो है आयोग ने पंजाब दिया है जबकि पंजाब जो है चावल का जो है बहुत बड़ा उत्पादक नहीं है फिर भी जो है वहाँ पर ये कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में प्रचलित है भारत में कितनी फसली ऋतुएँ पाई जाती हैं यानी फसल के आधार पर जो है ऋतुओं के आधार पर फसल की कितनी कैटेगरीज होती हैं तो तीन होती हैं रबी खरीफ और जायद अगला प्रश्न खेती में मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है तो भारत जो है दूसरे स्थान पर है कुल उपज के मामले में हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था तो भारत में जो हरित क्रांति आंदोलन था वो उन्नीस से 1978 तक चलाया गया था इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कृषि पर आधारित बहुत क्वेश्चन है भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा जिसको हम क्या कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट तो वो कौन सा था बीटी कॉटन निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है यानी जो पुरुष का जो है प्रजनन तंत्र होता है उसमें जो है ये नहीं पाया जाता है तो प्रजनन तंत्र में जो है पुरुष के डिम्ब नली या फेलोपियन ट्यूब नहीं पाई जाती है ये महिलाओं के प्रजनन तंत्र में पाई जाती है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा उपापचय यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदर्शित किया जा सके तो इसका नियमन किसके द्वारा किया जाता है थाइरॉक्सिन हारमोन के द्वारा किया जाता है अगला प्रश्न पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा घुले हुए खनिजों और जल के जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने के लिए मदद मिलती है तो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपारेशन जो होता है उसके कारण जो है खनिज जो है जड़ से पत्तियों तक ऊपर को गति कर पाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनदारियों की विशेषता नहीं है यानी मैमल्स में जो है कौन सा गुण इनमें से नहीं पाया जाता है तो इनमें त्रिकच्छी हृदय या थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है ये इसमें से गलत है क्योंकि जो मैमल्स होते हैं उनमें लगभग लगभग सभी में जो है फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो इसमें से शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये खरगोश में पाई जाती है प्रत्येक गुर्दे यानी किडनी में बड़ी संख्या में निष्पंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है इन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं जो इसकी यूनिट भी कहलाती है लिटमस बिलियन एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिससे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं तो लिटमस जो होता है ये हमको प्राप्त होता है लाइकेन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है यानी ये जो है तांबे के निष्कर्षण में काम आता है तो जस्ता या जिंक जो है तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है हमारा शरीर किच पीएच सीमा या रेंज के भीतर काम करता है तो इसमें जो है सेवन टू सेवन पॉइंट एट जो है जो पीएच रेंज होती है इस पर शरीर जो है सबसे ऑप्टिमम रूप से काम करता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तो सबसे अधिक आघात वर्थ यानी मैलिएबल होती है यानी जिसको पीट कर जो है पतला किया जा सकता है तो इसमें सही उत्तर क्या होगा सोना और चांदी इनमें सबसे ज्यादा जो है मैलिएबल होती हैं ये आधुनिक आवत सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में निम्नलिखित में से किस आवर्त में पांच गैर धातुओं को यानी नॉन मेटल्स को रखा जाता है तो नॉन मेटल्स को जो है आवर्त दो में या पीरियड दो में रखा जाता है इक्यावन ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है तो इक्यावन ग्राम अमोनिया में तीन मोल अमोनिया मौजूद होती है अगला प्रश्न देखते हैं ए को डी में यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो ए को डी में कन्वर्ट करने वाला उपकरण क्या कहलाता है रेक्टिफायर्स कहते हैं उनको यदि समय जिसको टी में मापा जाता है में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट को में शुद्ध आवेश या नेट चार्ज क्यू प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा आई क्या होगी तो इसमें हमको जो है इसका फार्मूला बताना है तो आई बराबर क्यू अपॉन टी जो है इसका फार्मूला हो जाएगा जिससे जो है हम प्रवाहित धारा को नाप सकेंगे अब जनरल हिंदी के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं इसको देखते हैं पर किस कारक का परसर्ग है तो पर का प्रयोग हम किस में करते हैं अधिकरण में जिसे कहते हैं मेज पर पुस्तक रखी है तो वहाँ पर जो है अधिकरण कारक में जो परसर्ग होता है वो क्या होता है पर होता है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग है तो इस, तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हुआ जमीन जमीन जो है स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किया जाता है पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है तो इसमें से शुद्ध वाक्य हमको छाटना है विराट तेज खेलता है तो ये पहला ही वाक्य शुद्ध हो गया विराट खेलता तेज है ये भी पद इसमें गलत है तेज खेलता है विराट खेलता है तेज विराट ये सभी जो है तीनों नीचे के गलत होंगे बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा बर्बर का विलोम शब्द सभ्य सब होगा ऊपर की ओर उछाला हुआ इसके लिए एक शब्द क्या होगा तो इसके लिए एक शब्द होगा उत्षिप्त अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें से समुद्र का पर्यायवाची अम्बुद नहीं है पारावार अर्णव और पयोधि ये सभी जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। अम्बुद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द होता है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें आनुसंगिक शब्द जो है शुद्ध है अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा तो अभीष्ट का जो है संधि विच्छेद अभिधन इष्ट होगा इसमें किस प्रकार की संधि हुई तो इसमें दीर्घ संधि हुई है। अगला प्रश्न अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो अंतिम में जो है हमको प्रत्यय बताना है अंतिम में इम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अगला प्रश्न कला प्रवीण इसमें कौन सा समास है तो इसमें कौन सा समास हुआ तत्पुरुष समास हुआ अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है तो छाता छेद छुरी ये सभी कैसे हैं ये सभी शब्द है इसमें से छाया शब्द जो है ये तत्सम शब्द है टावर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है तो टावर्ग जो है मूर्धन्य ध्वनि है अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है तो आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आ भी दीर्घ स्वर है और ओ भी है तो इस तरह से इसमें दो आंसर हो जाएंगे अब अभी इसकी रिवाइज आंसर की नहीं आई है तो इसमें यह क्वेश्चन जो है गलत होके आना चाहिए अगला प्रश्न सास की पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाई और क्या लिखा जाता है तो सास की पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाई और प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम लिखा जाता है अधिसूचना जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं कि संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से गलत है तो सामान्यता यह गजट में प्रकाशित होता है बिल्कुल सही है ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी होता है ये भी सही है इसे विज्ञप्ति भी कहते हैं ये भी सही है इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें सर्वसाधारण को सीधे सूचित करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है इसलिए प्रेषक और सेवा में नहीं लिखा जाता तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा अगला प्रश्न निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है तो निर्मला आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध कृति है किसकी प्रेमचंद की हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है रामधारी सिंह दिनकर ये जो है हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता हैं। अगला प्रश्न लाल पीला होना तो ये मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए कौन सी लोकोक्ति का इसमें से प्रयोग किया जाएगा तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए ये जो है बहुत कंजूस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है अगला प्रश्न दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है तो अगर जो है दो विलोम शब्द दिए हैं तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा इस तरह से योजक चिन्ह उसमें लगाया जाता है अब आगे जो है गद्यांश वाला प्रश्न है तो ये पूरा गद्यांश जो है आप एक बार जो है स्क्रीन को पाउस करके पढ़ लीजिए इस पर जो है आगे पांच क्वेश्चंस जो है हमको सॉल्व करने हैं तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कला क्षेत्र के संकुचन का आशय क्या है तो कला का दायरा सीमित होना ये कला क्षेत्र के संकुचन का आशय है अजनबीपन का आशय क्या है तो अजनबीपन का आशय क्या है इसमें से एकाकीपन या अकेलापन गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक इनमें से क्या होगा तो पूंजीवाद समाज में कला ये जो है इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच में क्या आ गया है तो पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच में बाजार आ गया है जो आप उस गद्यांश को पढ़ के देख सकते हैं ये लाइन वहाँ पर सीधी सीधी लिखी हुई है पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व तो किसका था तो समाज का ही दायित्व तो था पुराने समाज में कला का सुरक्षा का तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है ये सारे क्वेश्चंस इसके अभी इसमें हमने मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए किसी और दिन जो है अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे तो आपने जीके के हिंदी के और साइंस के क्वेश्चंस को देखा तो आप जो है इन क्वेश्चंस को समझ के पैटर्न को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं करंट अफेयर्स जो आ रहा है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहा है और अभी हमें अगले एक वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ना चाहिए तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही नमस्कार धन्यवाद